This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. कोरोना के मामलों में तेजी से हो रही वृद्धि को देखते हुए मरीजों के लिए बड़ी संख्या में बेड्स तैयार किए जा रहे हैं। अब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली एयरपोर्ट के पास कोविड सुविधा वाले 500 बेड के अस्पताल की व्यवस्था करने जा रहा है। इन स्पेशल बेड्स में कई तरह की सुविधाएं होंगी, जैसे ऑक्सीजन की सुविधा, बड़ी संख्या में वेंटिलेटर की व्यवस्था, बेसिक टेस्टिंग की सुविधा होगी, WHO मानकों के अनुसार एयर कंडीशनिंग होगी और साथ ही अगर वहां पर मौजूद मरीज न्यूरो या फिर कार्डियक केस है तो रोगी को एम्स में भी भेजा जाएगा। ये तो रही DRDO की पहल, लेकिन भारतीय रेलवे भी कहीं पीछे नहीं है। उसने भी कोरोना से संक्रमित लोगों के लिए रेल के कई कोचों को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया। ये तस्वीरें किसी अस्पताल की नहीं बल्कि रेल कोच की हैं, जिन्हें आइसोलेशन कोच में तब्दील कर दिया गया है। दरअसल इन तस्वीरों को रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि कोविड-19 से लड़ने के लिए रेलवे अपने सारे संसाधनों को उपलब्ध करा रहा है। महाराष्ट्र के नंदुरबार में आइसोलेशन कोच ने काम करना शुरू भी कर दिया है, जहां कोरोना मरीजों की भर्ती की जा रही है। कोरोना के खिलाफ जंग में भारतीय रेलवे ने अपने सारे संसाधन उतार देने की बात कही। हालांकि रेलवे की तरफ से की गई ये पहल नई नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कोरोना वायरस के संक्रमण से बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए रेलवे ने अपने कोचों को आइसोलेशन कोच में बदल दिया था, जहां कोविड-19 के मरीजों को आइसोलेट किया जा सकता था। लेकिन अब कोरोना ने पहले के मुकाबले ज्यादा विकराल रूप धारण कर लिया है। इस बार कोरोना जितने खतरनाक रूप में सामने आया है, उसके मुकाबले देश में अस्पतालों की तैयारियां कम पड़ गई हैं। अस्पतालों में बेड बहुत कम है, ऐसे में रेलवे की ये पहल काफी मददगार साबित हो सकती है। रेलवे द्वारा तैयार किए गए ये कोच अस्पतालों में मौजूद लगभग हर सुविधाओं से लैस है। साफ सफाई का भी खासा ख्याल रखा गया है। इस तरह के एक दो नहीं बल्कि कुल 450 से अधिक कोच को इस तरह के आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया गया है। इसे तैयार करने के लिए रेलवे ने छोटी से छोटी बातों का भी ख्याल रखा है और उम्मीद भी जताई जा रही है कि रेलवे की इस पहल से संक्रमित हो रहे मरीजों को कहीं ना कहीं राहत जरूर मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।